नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। तो अपने सेल डिवीजन के सातवें पार्ट के अंदर जो प्रोफेज फर्स्ट है उसके कुछ उप अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और वो कौन कौन सी उप अवस्थाएँ होती है उसके बारे में अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था एक ट्रिक के माध्यम से। तो आज अपने इन उप अवस्थाओं में कौन कौन सी घटनाएँ घटित होती है और गुणसूत्रों का इसमें क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, उनका अध्ययन अपने करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट, ये जो अवस्था आती है ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर आती है, यानी कि मियोसिस फर्स्ट के अंदर आती है। और इस अवस्था में अगर देखा जाए तो ये सबसे लंबी प्रावस्था होती है। क्या होती है? सबसे लंबी प्रावस्था होती है और इसी प्रावस्था के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है गुणसूत्रों की, यानी क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस प्रकार से वो जोड़े के रूप में बनते हैं और किस प्रकार से उनका लगातार विभाजन होता है वो अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। तो गुणसूत्रों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिससे गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। क्या बनते हैं? गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं और जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर जैसी महत्वपूर्ण जो घटनाएँ घटित होती है वो इसी के अंदर घटित होती है, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। फिर उसके बाद में इसकी पांच उप अवस्थाएँ उनके बारे में अपने पढ़ते हैं। सबसे पहले जो अवस्था है वो है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले गुणसूत्र लंबे धागेनुमा हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर जो गुणसूत्र होंगे वो लंबे धागेनुमा आकृति के अंदर दिखाई देते हैं। क्योंकि जो क्रोमेटिन जो रेशे होते हैं वो ही आगे जाकर ये जो गुणसूत्र होते हैं ये धागेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। और इन पर पाए जाते हैं क्रोमोमियर। क्या पाए जाते हैं इन पे? क्रोमोमियर पाए जाते हैं, दानेदार संरचना इस पे पाई जाती है, क्रोमोमियर। और क्रोमोमियर में पाया जाता है क्रोमेटिन पदार्थ। क्या उपस्थित होता है? क्रोमेटिन पदार्थ उपस्थित होता है। ये गुणसूत्रों के अंदर अगर दाने के रूप में पाए जाते हैं तो इसलिए इस अवस्था को बोलते हैं मणिका अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? मणिका अवस्था बोलते हैं, क्योंकि ये क्रोमोमियर गुणसूत्र में दाने यानी कि मणि के रूप में पाए जाते हैं, छोटी छोटी मणि के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मणिका अवस्था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मणिका अवस्था कौन सी उप अवस्था को कहा जाता है, प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी उप अवस्था को कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए लेप्टोटीन। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें केंद्रिका स्पष्ट दिखाई देगी, यानी कि इसके अंदर जो केंद्रिका होगी वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। कौन सी अवस्था में? लेप्टोटीन उप अवस्था में, जबकि अवस्था है प्रोफेज फर्स्ट। उसके बाद अगर देखा जाए तो केंद्रक झिल्ली और गुणसूत्र जो होते हैं वो गुलदस्ते के रूप में दिखाई देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो गुणसूत्र बनते हैं वो एक प्रकार से गुलदस्ते नुमा संरचना के अंदर दिखाई देते हैं, इस प्रकार से आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए गुणसूत्र गुलदस्ते के रूप में दिखाई देंगे और इसलिए इस अवस्था को बोलते हैं गुलदस्ता अवस्था। क्या बोलते हैं? गुलदस्ता अवस्था बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी उप अवस्था को गुलदस्ता यानी कि बुके फेज कहा जाता है, तो आपका सही जवाब होना चाहिए लेप्टोटीन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो आपस में इस तरीके से संरचना बनाते हैं कि जैसे फूलों का जो गुच्छा होता है उस प्रकार से दिखाई देता है। उसके बाद गुणसूत्र जाल यानी कि यहाँ पे क्रोमेटिन जो जाल होता है उसका निर्माण तो होता ही होता है, क्योंकि इसी में ही क्रोमेटिन जो रेशे होते हैं वो आपस में जुड़ के गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्रोमेटिन पदार्थ है और ये यहाँ पे गुणसूत्र है जो अभी जोड़े के रूप में नहीं है। क्रोमेटिन जाल में आधे गुणसूत्र नर से यानी कि मेल से,
जबकि आधे गुणसूत्र मादा से आते हैं और ये समजात प्रकृति के होते हैं, यानी कि दिखने में एक जैसे ही होते हैं। लेकिन फर्क यह है कि आते कि आधे जो गुणसूत्र होते हैं नर से आते हैं जबकि आधे मादा से आते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो गुणसूत्र एकल संयोजी यानी कि मोनोवेलेट होते हैं, यानी कि इनमें किसी प्रकार के जोड़े का निर्माण नहीं होता है। बस खास बात ये याद रखनी है कि इसके अंदर जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो छोटे छोटी मणिकाओं के रूप में यानी कि दानों के रूप में इस प्रकार से इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इस अवस्था को बोलते हैं मणिका अवस्था। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे खास जो किस्म बनते हैं, सबसे पहला तो मणिका अवस्था कौन सी उपअवस्था कहलाती है, लेप्टोटीन। उसके बाद में गुलदस्ता अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं, लेप्टोटीन। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो बोर्ड की क्लास के हिसाब से आपको ये जो मुख्य पॉइंट है वो याद रखने हैं और ये इसका छोटा सा डायग्राम। उसके बाद अपने बढ़ते हैं अगली अवस्था के अंदर, तब तक आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे अपने देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट की उन उपअवस्थाओं के बारे में जहाँ से गुणसूत्र अपने आकार बदलना शुरू कर देते हैं, यानी कि जाइगोटीन और पेकाइटीन, इनके बारे में अपने पढ़ते हैं। इससे पहले अपने लेप्टोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं जिसमें गुणसूत्र स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते, बस क्रोमेटिन जो पदार्थ होता है वो दिखाई देता है। यहाँ से गुणसूत्र होते हैं वो अपना आकार बदलना शुरू कर देते हैं। तो देखिए इस अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं यानी कि उपस्थित होते हैं, जो पतले होते हैं। यानी कि पहले वाली अवस्था के अंदर देखा जाए तो गुणसूत्र इस आकृति में दिखाई देते हैं और जिनमें छोटे छोटे ये मणिकाएं दिखाई देती है क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में, इसलिए उस अवस्था को बोलते हैं मणिका अवस्था। जबकि इसके अंदर ये और पतले हो जाएंगे और गुणसूत्रों के जोड़े, इन गुणसूत्रों के जोड़े द्विसंयोजी कहलाते हैं, यानी कि बाईवेलेंस कहलाते हैं। किस प्रकार से देखिए, इसके अंदर जो ये आकृति होती है गुणसूत्र की, आगे जाके इस प्रकार से इसका निर्माण हो जाता है, यानी इस प्रकार से यहाँ पे ये गुणसूत्र दिखाई देते हैं। इसलिए इन गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं, इन गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, बाईवेलेंस कहलाते हैं, यानी कि द्वि संयोजी कहलाते हैं। उसके बाद में प्रत्येक जोड़ा एक द्विगुणित यानी कि 2N गुणसूत्र के समान दिखाई देता है। पहले वाले में ऐसी कोई भी अवस्था नहीं होती, इनमें ना तो कोई जोड़ा होता है, खाली ये क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में एक पतली सी संरचना दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन गुणसूत्र का जो असली रूप दिखाई देता है वो दिखाई देता है जाइगोटीन अवस्था के अंदर। उसके बाद द्विगुणित गुणसूत्र के समान दिखाई देते हैं और गुणसूत्रों के इस प्रकार जोड़े बनने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं सूत्र युग्मन। क्या कहते हैं इसको, सूत्र युग्मन यानी कि सिनेप्सिस, इसको सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर कोई गुणसूत्र निर्मित हो रहा है तो इसके बीच में जो ये बीच में गैप होता है ये वाला, यानी इस आकृति से इस आकृति में जब चेंज होता है तो बीच में एक गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं सिनेप्टोमिल कॉम्प्लेक्स यानी कि सिनेप्टोमिल संकुल। ये क्यों निर्मित होता है, क्योंकि यहाँ पे ये आकृति से अगर ये आकृति आ रही है तो बीच में एक बल लगता है, एक तनाव पैदा होता है यानी कि आकर्षण बल लगता है। उसी आकर्षण बल के कारण यहाँ पर ये जोड़े बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इन्हीं जोड़ों बोलते हैं द्विसंयोजी यानी कि बाईवेलेंट्स। और कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण बल लगता है और इसी आकर्षण बल के कारण यहाँ पे एक गैप रह जाता है, एक अवकाश रह जाता है, उसी अवकाश को बोलते हैं सिनेप्टोमिल संकुल। ठीक है, और जिसके कारण यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है, इन जोड़े बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं सूत्र युग्मन यानी कि सिनेप्सिस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस आपको खाली याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जाइगोटीन यानी कि वो कौन सी अवस्था होती है जहाँ पे गुणसूत्र द्विसंयोजी अवस्था में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए जाइगोटीन। उसके बाद में सूत्र युग्मन की जो घटना घटित होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो कौन सी अवस्था में होती है, जाइगोटीन।
और गुणसूत्र सूत्रों का आकार बदलता है, रूप बदलता है, वो भी किस अवस्था में बदलता है? जाइगोटिन अवस्था के अंदर। इसके बाद आती है अपनी अगली अवस्था, जिनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो पतले होने के बजाय सिकुड़कर मोटे हो जाते हैं, यानी यहाँ पे इन गुणसूत्रों का आकार थोड़ा सा बदल जाएगा। ये भी जोड़े के रूप में होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक जोड़े जो गुणसूत्र होता है, प्रत्येक जोड़ा गुणसूत्र, वो आगे जाकर चार अर्ध गुणसूत्र, यानी कि चार यहाँ पे जो आधे गुणसूत्र होते हैं उसका निर्माण करता है। इसे बोलते हैं चतुर्संयोजी। क्या बोलते हैं? चतुर्संयोजी, यानी कि टेट्रा वैलेंस बोलते हैं। इस प्रकार की संरचना यहाँ पे बन जाएगी, और फिर यहाँ पे यही तारक के अंदर, यानी ये जो घटनाएं होती है प्रत्येक यहाँ पे अवस्था में दिखाई देती है, प्रत्येक उपअवस्था में दिखाई देती है। लेकिन सबसे खास बात क्या होती है कि इस अवस्था के अंदर चार अर्धगुणसूत्र बनते हैं, जिसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंस। ठीक है, इन्हीं चार अर्धगुणसूत्रों के अंदर, इसी संरचना के अंदर जीन विनिमय जैसी घटना घटित होती है। लेकिन सबसे खास बात ये होती है कि इसमें जो ये क्रॉसिंग ओवर होता है जीन विनिमय में होता है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। आपको पहले ही बताया था कि जीन विनिमय में किसे कहते हैं, यानी दो समजात गुणसूत्र होते हैं जहाँ पे अनुवांशिक पदार्थों का, यानी कि जो जीन होते हैं वो यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। इस गुणसूत्र का जीन इसमें जाता है, जबकि इसका इस वाले गुणसूत्र में जाता है, यानी कि यहाँ पे एक प्रकार से जीनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, वह घटना जिसके अंदर दो समजात गुणसूत्रों में जीनों का आदान प्रदान होता है, अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, उस घटना को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जीन विनिमय। लेकिन यहाँ पे आकर्षण बल ज़्यादा होगा, इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण बल ज़्यादा होता है, जिसके कारण जीन विनिमय होता जरूर है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि जीन विनिमय की घटना किस उपअवस्था में घटित होती है, तो वो अवस्था होती है पैकाइटिन, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है क्रॉसिंग ओवर इसके अंदर। अगर उसके बाद अपने बात करें तो दोनों के दोनों गुणसूत्र इस प्रकार से दिखाई देते हैं जीन विनिमय के अंदर, यानी यहाँ पे आकर्षण बल ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे ये भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और यहाँ पे जीनों का आदान प्रदान आसानी से हो जाएगा, यानी इसी घटना को बोलते हैं जीन विनिमय, यानी कि क्रॉसिंग ओवर। अगर जीनों का आदान प्रदान हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अनुवांशिक पदार्थों का भी आदान प्रदान हो रहा है, जिसके कारण जीवों के अंदर विभिन्नताएं देखने को मिलती है, यानी कि वेरिएशन देखने को मिलती है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बारी है उन दो उपअवस्थाओं के बारे में जहाँ पे जाके प्रोफेज फर्स्ट जो है वो पूरी हो जाती है। वो दो उपअवस्थाएँ हैं डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, यानी कि आगे जाके क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, स्पष्ट रूप से कहाँ दिखाई देता है, वो अपने पढ़ते हैं। डिप्लोटीन अवस्था, इस अवस्था में समजात जो गुणसूत्र होते हैं वो अलग होने लगते हैं, उसमें तो जुड़े रहते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होते हैं, अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के रूप में पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते। और यहाँ पे इन गुणसूत्रों की जो आकृति होती है वो इस तरीके से दिखाई देती है, इस तरीके से ये गुणसूत्र दिखाई देते हैं इस अवस्था के अंदर, जबकि उसमें तो अर्ध गुणसूत्रों का निर्माण हुआ था। यहाँ पे ये एक्स आकृति के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए ये गुणसूत्र एक दूसरे से एक्स आकार के रूप में क्या होते हैं, उलझे रहते हैं, और ऐसे स्थानों को बोलते हैं, इन स्थानों को कहा जाता है काइजमेटा। क्या बोलते हैं इनको? काइजमेटा कहते हैं, यानी कि अगली इस अवस्था के अंदर देखा जाए तो वो यहाँ पे तारक काय का निर्माण होता है। ठीक है, और उसके बाद इनमें इस अवस्था के अंदर आकर्षण बल कम होता है और गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, यानी यहाँ पे जाके गुणसूत्र अलग अलग होने लगते हैं। और याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर की जो स्पष्ट घटना दिखाई देती है वो यहीं पे दिखाई देती है, क्योंकि जो आकार होता है एक्स आकार काइजमेटा का, तो वो स्थान
जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है उसे बोलते हैं काइज़मेटा। क्या बोलते हैं? काइज़मेटा। और सेकंड डेफिनेशन क्या है? जो गुणसूत्र एक दूसरे से एक्स आकार में उलझे रहते हैं उन स्थानों को बोलते हैं काइज़मेटा। क्या बोलते हैं? काइज़मेटा। तो क्रॉसिंग ओवर की स्पष्ट घटना यहीं पे होती है, इनमें यहीं पे जीनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। इसलिए ये गुणसूत्र आपस में इस तरीके से जुड़ जाते हैं, यानी कि क्रॉसिंग ओवर की घटना यहाँ पे घटित हो जाती है। ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है डिप्लोटीन अवस्था के अंदर। इस अवस्था में क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय की जो घटना होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, अब अगली अवस्था, लास्ट जो इसकी उपअवस्था है, डाइकाइनेसिस। इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो और अधिक छोटे और मोटे हो जाएंगे और ये चले जाएंगे केंद्रक झिल्ली के पास में, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से ये चले जाते हैं, क्योंकि पहले से ही इनमें क्या होता है? जीन विनिमय हो जाता है। इस तरीके से ये केंद्रक झिल्ली के पास में क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। और सबसे खास बात, यहाँ पर केंद्रिका, यहाँ पे भी केंद्रिका दिखाई देती है, लेकिन इस अवस्था में केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में? डाइकाइनेसिस अवस्था के अंदर। उसके बाद तारक का यहाँ पे अलग हो जाएंगे, जो तारक काय जो यहाँ पे आपस में एक दूसरे जुड़े हुए थे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। और तर्कु तंतु यहाँ पे बन जाते हैं, यानी कि स्पिंडल फाइबर होते हैं वो इनके बीच में यहाँ पे क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। ठीक है, इस अवस्था के अंदर जो मुख्य बात आपको याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो एक्स आकृति के जो गुणसूत्र होते हैं, काइज़मेटा जो होते हैं, वो स्थान, उनकी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बस आपको विशेष तौर पे, मोटे तौर पे ये याद रखना है कि काइज़मेटा का निर्माण कौन सी उपअवस्था में होता है, तो वो है डिप्लोटीन। ठीक है, और अगर पूछे कि कौन सी मुख्य अवस्था में होता है तो वो है प्रोफेज फर्स्ट। लेकिन लगभग यहाँ पे उपअवस्था ही पूछते हैं कि कौन सी उपअवस्था है प्रोफेज फर्स्ट की, जहाँ पे काइज़मेटा बनते हैं, जीन विनिमय घटना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो वो उसका जवाब होना चाहिए आपका डिप्लोटीन। तो ये अपनी उपअवस्थाएं प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या बेटर होगा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बारी उन दो प्रश्नों की जो आपसे पूछे गए थे लास्ट क्लास के अंदर। सबसे पहला प्रश्न ये था कि फ्रेगेमोप्लास्ट जो संरचना होती है वो किस प्रकार की कोशिका में बनती है। तो इसका सही जवाब है प्लांट सेल। जो पादप कोशिका होती है उसका जो बीच वाला भाग होता है वहाँ से कोशिका पट्टिका संरचना बनती है, जो आगे जाके प्रीधि वाले भाग तक जाती है, और प्रीधि वाले भाग तक जहाँ पे कोशिका भित्ति होती है वहाँ तक इस संरचना का निर्माण होता है। इसलिए इस विशेष संरचना को कहा जाता है फ्रेगेमोप्लास्ट, जो निर्मित होती है प्लांट सेल के अंदर, यानी कि पादप कोशिका में। तो अब बारी अपने अगले प्रश्न की, जो आपसे पूछा गया था ये कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ये जो शब्द है ये किन वैज्ञानिकों ने दिए थे। तो इसका सही जवाब है कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजन जो शब्द दिया था वो दिया था स्लाइडर ने। किसने दिया था? स्लाइडर ने। जबकि साइटोकाइनेसिस शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है व्हाइटमैन। यानी कि इन दो वैज्ञानिकों ने कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस शब्द दिए थे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो आज का टॉपिक है उपअवस्थाओं वाला, वो भी आपके समझ में आया होगा। तो इसका बार बार आप लोग रिपीट करके अध्ययन करते रहें। तो जल्द ही मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर। तब तक अपनी जो स्टडी है, अपना जो हेल्थ है, उसका विशेष ध्यान रखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर।